टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुंबई के कुर्ला कमानी इलाके में नालों की ठीक से साफ सफाई न होने पर नाराज शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे ने कॉन्ट्रैक्टर को जमीन पर बिठा कर नालों से निकला हुआ कचरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डलवा दिया। विधायक का कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर पर इसलिए कचरा डाला गया कि उसने ठीक तरह से काम नहीं किया था और बारिश की वजह से भारी जल जमाव हो गया था। कुर्ला इलाके में नालों में कचरा फंसे होने की वजह से पानी भर गया। वही मुंबई के घाटकोपर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पार्क की गई कार जमीन के अंदर धीरे धीरे समा गई, जिसमें पानी भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि घाटकोपर के राम निवास सोसाइटी में पुराना कुआं था और उसी के ऊपर गाड़ी पार्क करने के लिए RCC करके गाड़ी पार्क की जा रही थी, मगर अचानक RCC टूट गई और पार्क की गई कार धीरे धीरे इस कुएं के अंदर चली गई। इसकी वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रही है। वही दिल्ली के रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में अचानक आग लगने से करीब 50 से ज़्यादा रोहिंग्या परिवारों के झोपड़े जलकर राख हो गए हैं। दिल्ली के कालिंद कुंज मेट्रो स्टेशन के पास रोहिंग्या शरणार्थियों के शनिवार की रात करीब 12 बजे के आसपास इनके कैंप में आग की घटना सामने आई, मगर गनीमत ये रही कि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है जहां छपिया गांव में एक छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में छात्रा घायल हो गई, इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ले जाया गया जहां अब खतरे से खाली बताया जा रहा है। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया था, मगर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि आरोपी विशाल यादव पर मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। वही दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के गोंडा की है जहां धानेपुर की रहने वाली अकीला बानो अपने पति मोहम्मद इरफान व सास पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत की है। पीड़ित महिला का कहना है कि आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है और महिला ने शिकायत भी धानेपुर पुलिस में की है, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ की रहने वाली हो? हम धानेपुर लाल देवरिया पक्की रोड डॉक्टर रोजली बहू। मेरे आदमी नाम मोहम्मद इरफान है। हमेशा वो मारते, आए दिन नई नई लड़की बदलते। मेरे बच्चों को कोई केयर कुछ नहीं, मैं खुद से मैनेज करती हूँ। मेरी सास मुझे रोज मारती है। कितने बच्चे? आए दिन मुझे कहती मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, दुनिया भर का परेशान करते। पुलिस वाले आके हमेशा समझौता करवा देते। 2016 में भी, अभी अगस्त में भी। आपने FIR कराया कोई? भाई यार, हम पूरा दिन वही भटकते रहे। 5 बार मेरी एप्लीकेशन नोच के फाड़ के फेंक दिए पुलिस वालों ने। अगर नहीं विश्वास तो आप CCTV कैमरा निकलवाइए वहाँ पे।